भगवान ने कहा एक बार मैं गले पड़ जाता हूं फिर मैं छोड़ता नहीं हूं, तो मैं तेरे गले पड़ गया हूं अब छोड़ूंगा नहीं। तो कृष्ण भक्ति क्या है? कृष्ण भक्ति वास्तव में ऐसी है जिसमें आ तो सकते हैं जा नहीं सकते जी। ये अंडरवर्ल्ड की तरह है, तो आ तो सकता है सर, अब जा नहीं सकते। कोई सोचा भाई हम 6-8 साल क्या है अंडरवर्ल्ड में रहेंगे, पैसे वैसे कमाऊंगा, फिर मैं शराफत की जिंदगी बिताऊंगा, एक लड़की से शादी करूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। नहीं सर, अंडरवर्ल्ड मतलब वन वे ट्रैफिक। उस तरह से कृष्ण भक्ति भी क्या है? वन वे ट्रैफिक। तो इसलिए अगर कोई आ जाए अगर भक्ति में, फिर सोचे भाई देखिए बहुत हो गया ये भक्ति भक्ति, तो जिंदगी में थोड़ा मजा भी तो कर ले हम, नहीं कर पाएगा यार तू, अब नहीं कर पाएगा। कोई ट्राई भी करना चाहे ना, कहीं लोगों का ट्राई भी क्या है, फिर वापस ही आते हैं। हो सकता है सेम मंदिर में ना दूसरे मंदिर में आते हैं, शर्मा शर्मी नहीं आ पाते ना, लेकिन आते तो है। तो एक तो खुशखबरी आप सभी के लिए है कि आपका भौतिक जीवन खत्म हो चुका है, हरि की कथाओं में बैठने के बाद ना फिर यही होता है, बंदा जो है अब कहीं का नहीं रहता, अब इन्हीं का होकर रह जाता है। बिकॉज कृष्णा इज पोजेसिव लवर, कहता है देखो अब तुम आ गए, देखो मैं तुम जाने दूंगा नहीं, अब चले भी जाओगे तो मैं ऐसा फ्रस्ट्रेट करूंगा तुमको वहां पर कि वापस यही नजर आओगे। तो इसीलिए देखो आप सबका भौतिक जीवन समाप्त हो गया। देखो खुशखबरी आप लोगों के लिए, होता कुछ लोग दुख भी कहता मतलब सर मतलब वही है, अब तो खत्म हो गया अब करियर, अब आपका संसार के अंदर आप एक बार ये थैली में जब हाथ चला जाता है ना बस, अब भले ये थैली भारी हो जाए तो कभी कभी हमारे जो बीड बैग बहुत भारी होता है, नहीं हाथ जा पाता उसके अंदर, जाता है तो उठ नहीं पाता, माला आगे नहीं हो पाती, ऐसा होता है। लेकिन कुछ भी हो लेकिन छोड़ेंगे नहीं ठाकुर जी, छोड़ेंगे नहीं। या तो तू तेको थोड़ी ठोकरे खाने खा ले, लेकिन ठाकुर तेको छोड़ेंगे नहीं। वैसे तो यहां तो ठोकरे हैं या ठाकुर है, एक बार आपने ठाकुर जी पे टिक कर दिया बस फिर ठोकरे नहीं है। लेकिन हम उसको सोचे नहीं मैं ठोकरे फिर भी खाना चाहता हूं, तो खिला करके फिर अपने पास ले आएंगे आपको, तो अब तारेंगे ही प्रभु, अब भगवान तो आपको तार के ही छोड़ेंगे, तो इसलिए भगवान हमको भी अब तार के ही छोड़ेंगे अब। तो इसीलिए भगवान जो है एक बार जब किसी के जीवन में आ जाते हैं फिर न जाते, हालांकि जिंदगी में आ जाए ये भी बहुत मुश्किल है, आ जाए लेकिन जब आ गए अब ना छूटते जी, अब ना छूटते। तो इसीलिए कोई व्यक्ति एक बार कृष्ण भक्ति में आने के बाद भौतिक जीवन उसका बेचारे का रहता नहीं है, भले कुछ समय और ले ले, कुछ जन्म ले ले, लेकिन अब कहीं नहीं जा पाएगा वो, बिकॉज ही इज पोजेसिव लवर, कृष्णा इज पोजेसिव लवर, ऐसा।